कौन से चरों करने हैं, एक आपने एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, दूसरे नंबर पे आपने जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तीसरे नंबर पे आपने एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, और चौथे नंबर पे आपने जी ऑफ जी एक्स क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले बेटा जी हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स प्लस वन के। अगर एक्स की जगह हम जी एक्स पुट करें तो ये पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी ये वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आप इसका एलसीएम लेंगे तो वन एक्स स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा जवाब, ठीक है। अब इसी का सेकंड देखें जी, अगर जी ऐसा हो, पहले लिखा हुआ जी पुट करें दूसरे सवाल में, सेकंड पार्ट है इसका, तो जी एक्स आपको पता है वन बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो जिधर एक्स है उधर एफ ऑफ एक्स पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये आपके पास वन ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेटा जी इसी का थर्ड पार्ट देखो, एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर एफ एक्स दिया हो तुम्हें, इसी का थर्ड पार्ट है अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो उसके अंदर तो जिधर एक्स है उधर बस क्या पुट कर दो एफ एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा और ये क्या होगा प्लस वन। इसको इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा कर भी देते हो तुम समझते हो कि तुम्हें आराम नहीं आ रहा, तो यहां पे एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू प्लस क्या कर दो वन, इससे आगे मत बेटा सॉल्व करो, ठीक है। इससे आगे देखो जी जी ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है वन बाई एक्स स्क्वायर के, जब जी ऑफ एक्स करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, यानी कि वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि वन बाई एक्स की फोर हो जाएगा, और जब ये एक्स की फोर बाई क्या हो जाएगा वन, वन और वन कट के क्या आ जाएगा एक्स की फोर, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका जवाब। तो ये वो चार पार्ट है जो हम इसको करके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग ये चारों पार्ट मिटाते हैं और ऊपर सवाल सिर्फ हमें ताकि चेंज करना पड़े, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अभी हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, नया सवाल है इसका, ये यहां पे हम वैल्यू भी दूसरी हमें लिखनी पड़ेगी, ये इसकी एक और वैल्यू है जी, कह रहा है अगर यहां पे अब वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन आ जाए और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आ जाए फिर क्या मामला होगा। बेटा जी अब भी आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां पे देखें सबसे पहले आपने फाइंड लिखना है एफ ऑफ एक्स, चूंकि हम पार्ट वन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आपके पास है वन बाई रूट एक्स माइनस वन, आपने जिधर एक्स है उधर क्या पुट करना है जी एक्स, तो ये इक्वल होगा वन बाय अंडर रूट, जहां पे एक्स है वहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। अब बेटा जी अगर तुम चाहते हो ये बहुत ज्यादा एलेबोरेट करें तो ये एक्स की फोर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तुम्हारे पास आ जाएगा तकरीबन कोई जो वैल्यू आएगी, इधर मैं लिख देता हूं वो ये और ये कटिंग हो जाएगी, यानी कि एक्स की फोर प्लस टू एक्स आ जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, अब हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, अब यहां पे जी की जगह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाना है। अब एफ ऑफ एक्स के अंदर देखते हैं, ये प्यारे बच्चों है आपके पास, यहां पर देखिएगा वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है जी, ये स्केयर प्लस वन का इनका क्या हो जाएगा स्केयर, ठीक है जी। प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे देखो ये सॉरी एफ एक्स, मैं बार बार जी लिख देता हूं, ठीक है, यह आ जाएगा एक्स माइनस वन और प्लस वन फिर क्या आएगा स्केयर, तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप एलसीएम लें, ये क्या आ जाएगा स्केयर, तो ये और ये कटिंग हो जाएगी, तो ये बेसिकली x अवर x माइनस वन का क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी का तीसरा पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स था आपके पास वन बाइंडर रूट एक्स माइनस वन, अब x की जगह फिर एफ एक्स एक्स डालें तो ये आपके पास आ जाएगा वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करें कि इसको
आपको मैं पहले भी तरीका बता चुका हूं कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो। एलसीएम लोगे ना बेटा, ये यूं आ जाएगा। तो आप ना इसको यूं कर सकते हो, ये देखो, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस वन की पावर वन बाई टू। इसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, ये प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का फोर पार्ट देखो। फोर पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, कि आपने g ऑफ x को क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। g ऑफ x जो है वो एक्स स्केयर प्लस वन का क्या स्केयर, तो तुम इसको लिख दोगे g ऑफ x, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्केयर की जगह प्लस वन का स्केयर, ठीक है जी, का स्केयर प्लस वन का स्केयर। आप समझे बात को, देखो क्या एक्स की जगह हमने एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर, ये किसकी वैल्यू डाली, जी ऑफ एक्स के, ये स्केयर पहले से मौजूद था प्लस वन और ये ऊपर वाला क्या आ गया स्केयर। अब हम क्या करते हैं देखना जरा, जी ऑफ एक्स ये तुम्हारे पास आ जाएगा, पहले ये स्केयर लेते हैं x की 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्केयर। इसको बस जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, यहां तक भी कर दो बहुत है, क्योंकि तुम्हें ये बात, तुमसे जो कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि इनको क्या पता है कि कंपोजिट फंक्शन होता है, नहीं पता, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे डालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या ऑलरेडी, इसको कैसे पुट करना है। अब इसी से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, इसी का फोर पार्ट प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं जरा ये किस तरह से हम करेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। यहां पे देखो ये 3x की 4 प्लस 2x के, सॉरी माइनस है, माइनस 2x के, और फिर 2 बाय अंडर रूट एक्स। पहले बच्चों देखो, जब हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स यानी पहला पार्ट, तो ये 3x की 4 माइनस 2x का स्केयर, आपने x की जगह पुट करना है जी ऑफ एक्स, तो यहां पे ये 2 बाय अंडर रूट एक्स की पावर 4, यहां पे भी 2 बाय अंडर रूट एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 और स्केयर। ये बेटा 2 की पावर 4 16 होती है और इसकी एक्स स्केयर होती है, क्यों, चूंकि एक दफा ये अंडर रूट काटेगा दूसरी दफा ये उसका क्या करेगा स्केयर, ये 4 बाय क्या हो जाएगी एक्स, तो तकरीबन 48 बाय एक्स स्केयर माइनस 4 बाय क्या आ जाएगा एक्स। अब आप मजीद इसका एलसीएम लेना चाहो तो ये 4x बाय एक्स का क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है, ये आ गया मेरा बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हम करते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जो है वो आपकी इक्वल है 2 बाय अंडर रूट एक्स, जिधर एक्स है उधर हम क्या पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरा बेटा 3x की 4 माइनस 2x के। अब यहां से एक्स के आप कॉमन भी ले सकते हो मेरे बच्चों, और उसका क्या तरीका है कि यहां पे एक्स के कॉमन लोगे तो वो क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा, इधर 3x के उधर क्या रह जाएगा 2। तो ये प्यारे बच्चों करने के शो क्या तरीका है, ठीक है, और आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों थर्ड देखो, एफ ऑफ एक्स जो है यहां पे इक्वल है 3x की 4 माइनस 2x का स्केयर, ज्यादा इलेबोरेट मैं नहीं करूंगा, ठीक है, वो तुम खुद कर लेना, मैं सिर्फ तुम्हें वैल्यू डाल के बता देता हूं कि ये कैसे करोगे। x की जगह तुमने पुट करना है 3x की 4 माइनस 2x के, ऊपर 4 है तो 4, यहां पे भी 3x की 4 माइनस 2x स्केयर की स्केयर। अब इससे आगे खुद फॉर्मूला पुट कर लेना, एक दफा स्केयर लेना फिर जो आंसर है फिर उसका फिर स्केयर ले लेना, ठीक है, आगे आप खुद कर लेना। इसी का फोर पार्ट मैं बस जल्दी जल्दी तुम्हें बताता हूं क्योंकि अफतारी का टाइम है, ठीक है। अब देखो बेटा जी ऑफ एक्स जो है इक्वल है 2 बाय अंडर रूट एक्स के। अब जी ऑफ एक्स के अंदर फिर तुमने जी ऑफ एक्स डालना है, तरीका क्या है, 2 बाय अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है मेरे बच्चों, आप इसको लिख सकोगे 2 बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2,
कटिंग के बाद प्यारे बच्चों अंडर रूट टू एक्स, ये अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जवाब, और ये इस तरह से सॉल्व करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।